हेलो दोस्तों, बायोग्रैंड चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो कि है रेसवे कल्चर। लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारे पास में कौन से मेथड्स है जिनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है सो दैट कि हम फिश की रेयरिंग एंड केयरिंग और उसका कल्चरिंग बहुत अच्छे से कर सके ना। इसके अलावा बाकी और दो मेथड्स है जिसमें से हमने पॉन्ड कल्चर को और पेन कल्चर को लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस विद द रेसवे कल्चर। ओके, नाउ रेसवे कल्चर जो है आपके पास में रेसवे कल्चर के दो सीरीज होंगी, दो टाइप्स होंगे, जिसको सीरीज रेसवे कहा जाता है और एक पैरेलल रेसवे कहा जाता है। एंड इसी में और सब टॉपिक्स है जिनमें अर्दन रेसवेज है एंड देन उसके बाद में जहां पे सीमेंटेड कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। सो चीजें आप लोगों को साइड में सारी दिखते चली जाएगी और ध्यान से सुनते चलिए कि क्या क्या कंसेप्ट इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए रेसवे की डेफिनेशन देख लेते हैं कि रेसवे की डेफिनेशन क्या है। सो रेसवेज आर अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड। ये पॉन्ड्स कैसे होते हैं? दे आर अ रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स कंसिडरेबली लॉन्गर देन वाइड एंड यूजुअली दे आर शैलो। ओके, ये कैसे होते हैं? शैलो होते हैं, शैलो रेक्टेंगुलर पॉन्ड्स, राइट। जिसका लेंथ अगर कंपेयर किया जाए तो लेंथ सभी से अलग होता है। तो रेसवेज आर मोस्ट अप्रिशिएबल सिस्टम ऑफ फिश कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ अ फॉलोइंग रीजंस। क्या क्या रीजंस हैं इनके या क्या क्या एडवांटेजेस है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। सो स्टॉकिंग डेंसिटी कैन बी मच हायर देन इन पॉन्ड्स। पॉन्ड में जितना स्टॉकिंग रेट होता है उससे डबल हम जो है इस रेसवे मेथड में कर सकते हैं। वाइल सेकेंड है, डिजीज ट्रीटमेंट इज ऑल्सो इजी इन रेसवे दैन इन पॉन्ड्स। ओके, सो डिजीज ट्रीटमेंट अगर करना होगा, कोई भी फिश को अगर डिजीज हुई होगी तो उसको भी बहुत आसानी से क्योर करवाया जा सकता है। अनदर इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ रेसवे इज दैट दे फैसिलिटेट फीडिंग ऑफ फिश एंड इजी हार्वेस्टिंग। देन लास्ट एडवांटेज है, रेसवेज आर इजी टू बिल्ड। ओके, इनको फॉर्म करना, बिल्ड करना ये बहुत ज्यादा इजी हो जाता है एंड मेंटेन एज कंपेयर टू पॉन्ड्स। तो इनका मेंटेनेंस भी पॉन्ड से भी कम लगता है। ठीक है, तो वाइल डिसएडवांटेजेस क्या क्या है चलिए देखते हैं। रेसवेज रिक्वायर लार्ज वाटर फ्लोज, एग्जाम्पल पैरेलल रेसवेज की रिक्वायरमेंट होती है। पैरेलल रेसवे मतलब क्या होता है कि पैरेलली आपके पास में पॉड्स जो है या रेक्टेंगुलर पॉड जो रहेगा वो अरेंज रहेगा। अगर एक में वाटर फ्लो है तो वो पैरेलली पाइप के थ्रू नेक्स्ट इसमें भी चलता जाएगा आगे की तरफ में। इन सीरीज रेसवे, सीरीज रेसवे में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल। अगर सीरीज की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको डायग्राम साइड में फ्लैश हो रही होगी, वहां देखिए कि सीरीज में और पैरेलल में क्या डिफरेंस है। सो इन सीरीज टाइप ऑफ रेसवे इज मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस इनटू द अपस्ट्रीम रेसवे पास टू द लास्ट रेसवे इन अ सीरीज। ओके, सो रेसवे जो रहेगा सीरीज में अगर होगा तो एक के बाद एक के बाद एक रहेंगे तो उनमें सभी में वो कंटामिनेशन होता जाएगा जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ रेसवेज। ओके, टू टाइप्स है हमारे पास में, जिसमें पहला है सीरीज रेसवे, ठीक है, एंड दूसरा है हमारे पास में पैरेलल रेसवे। ठीक है, तो सीरीज रेसवे के बारे में पहले बात कर लेते हैं। इन सीरीज रेसवे आउटलेट ऑफ फिश ऑफ आउटलेट ऑफ फर्स्ट रेसवे इज इनलेट ऑफ द नेक्स्ट रेसवे। सो पहला जो आउटलेट रहेगा जहां से मूव कराया जाएगा वाटर को, वही सेकेंड कंपार्टमेंट का क्या हो जाएगा, इनलेट कहलाएगा। सो देयर इज डिफरेंस इन द एलिवेशन बिटवीन द रेसवे। देन इट डिपेंड्स ऑन लोडिंग रेट, फ्लो रेट, फीडिंग रेट, स्पीशीज, मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बट दिस प्रोवाइड नेसेसरी हेड लॉस अराउंड रेसवे। दे रिक्वायर एलिवेशन, एलिवेशन रेंज कितना चाहिए होता है, तो इट इज 0.3 to 1 mm एंड देन हेड लॉस बिटवीन द रेसवेज कैन बी ब्रॉट नियरली जीरो इफ द मैकेनिकल एरेशन इज यूज इन ईच रेसवे। मैकेनिकल एरेशन हाउ एवर इंक्रीजेस द ऑपरेटिंग
कॉस्ट, जितना ज्यादा उसमें एरेशन डाला जाएगा उतना ज्यादा उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ता जाएगा, या ऑपरेटिंग कॉस्ट जो रहेगा वो बढ़ता जाएगा, बिकॉज हम लोग एक्सटर्नली एयर उसके अंदर डालेंगे, जो कि नेचुरल वाटर में जो एयर प्रेजेंट होती है या डिजॉल्व ऑक्सीजन जो प्रेजेंट होता है वही फिश को यूटिलाइज करना चाहिए। बट यहाँ पे कंटामिनेशन एक सीरीज से दूसरे सीरीज में कंटिन्यूसली जाता जाता है, इसीलिए यहाँ पर मैकेनिकली एरेशन देना जरूरी हो जाता है, और जितना ज्यादा दीजिएगा उतना ज्यादा उसमें कॉस्ट होता चला जाएगा। वाई पैरेलल रेसवे क्या होता है, पैरेलल रेसवे को कंस्ट्रक्ट किस तरीके से किया जाता है, सो इन पैरेलल रेसवे हेड लॉस दैट इज बिल्ट अप ऑफ मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स एंड एरेशन प्रॉब्लम्स इज मिनिमाइज्ड। ओके, एरेशन का पार्ट जो रहता है वो मिनिमाइज हो जाता है, एंड इसी के साथ साथ इसके एडवांटेजेस क्या है, सो वॉटर फ्लो इंक्रीज इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ रेसवेज। Then to this system, that is raceway system, high volume of water source must be available. Then the dimensions of raceway vary considerably, and dimensions of an average raceway are about 3 meter long, 1.20 meter deep and 3 meter wide. Ye iske dimensions hai. At the bottom the raceway are 3 meter wide and the sides are inclined, then the width at the surface may be up to 9 मीटर। सो इस तरीके से क्या होता है, पैरेलल का पैरेलल रेसवे जो होते हैं इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है, दैट इज 30 × 1.20 × 3 meter वाइड। नाउ एडवांटेजेस क्या क्या है रेसवे कल्चर के, पहला है कि इट मिनिमाइजेस द मेटाबॉलिक कंसंट्रेशन, सेकेंड आ जाता है इट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन, थर्ड आ जाता है इट गिव फोर्स टू द फिश टू एक्सरसाइज, वाई फोर्थ आ जाता है द डिजीज ट्रीटमेंट कैन ऑल्सो बी अकम्पलिश्ड बाय कटिंग ऑफ द फ्लो टू द डिजायर्ड रेसवे। देन उसके बाद में आ जाता है फ्लो रेट कैसा होना चाहिए या किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, सो द फ्लो रेट इन रेसवेज वाइडली डिपेंडिंग अपॉन द फिशेज टू बी कल्टिवेटेड। इनको कल्टिवेट अगर करना है तो इनके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे हम इनको स्टडी करते हैं, सो टेम्परेचर, स्टॉकिंग रेट, फीडिंग एंड वाटर सप्लाई विद अदर फैक्टर्स। द फ्लो रेट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन द ऑक्सीजन कंजम्पशन एंड अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बी कल्चर्ड फिश। ठीक है, सो इस तरीके से आपका पैरेलल रेसवे होता है। नाउ पैरेलल रेसवे के साथ साथ यहाँ पर आपके पास में और दो मटेरियल जो है रेसवे के वो क्लासीफाई होते हैं। नाउ रेसवेज जो बन रहे हैं हमारे पास में, आइदर दे मे बी सीरीज रेसवे और दे मे बी पैरेलल रेसवेज, सो ये जो रेसवेज रहेंगे इनका मटेरियल किस तरीके से होना चाहिए, ठीक है, ये मटेरियल भी हम डिसाइड कर सकते हैं। आइदर दे आर अर्थ फिल रेसवेज, ओके, आइदर दे आर अर्थ फिल रेसवे और दे आर सीमेंटेड। ठीक है, आइदर आप डायरेक्टली इसको जमीन में बना सकते हैं या तो आप सीमेंटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अर्थफिल रेसवेज को देखते हैं। अर्थफिल रेसवेज इज अ टाइप ऑफ पॉन्ड विच इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम सॉइल और अर्थन मटेरियल, दे सेल्फ डिग्रेड द वेस्ट प्रोडक्ट्स इनसाइड द पॉन्ड बिकॉज सॉइल प्रोवाइड्स नेचुरल सबस्ट्रेटम फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। देन Earthfill raceways is that to provide a natural environment to developing fishes and maintains the ecology of the pond. These raceways maintain proper quality of water. Thus, in other words, the earthfill raceways prevent the toxicity in the pond. So, pond mein toxicity nahi dekhne ke liye milegi. So, is tarike se ho gaya earthfill raceways ka advantage. While cemented raceway kya hote hai, ye dekhte hai. So, these are constructed in bricks. Using the paste of cement and sand. तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ईटों को जोड़कर सीमेंट लगा रहे हैं, सैंड लगा रहे हैं। द सीमेंट रेसवेज आर इलोंगेटेड, सो सीमेंट रेसवेज जो होते हैं वो काफी अच्छा इलोंगेशन कैरी करते हैं। दे प्रोवाइड स्टेडी करेंट्स ऑफ वॉटर वेयर फिशेज यूजली स्विम अगेंस्ट द करेंट सोर्स ऑफ वॉटर, एज अ रिजल्ट कॉम्पिटिशन ऑफ रेस ऑकर्स बिटवीन द वॉटर करेंट एंड फिश। This exercise of fish is useful to attain maximum growth during stipulated period. So, इस तरीके से ये हो गया आपका cemented raceway.
तो हमने आज डिस्कस किया कि रेसवे कल्चर क्या होता है, उसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया। रेसवे कल्चर जो है वो सीरीज और पैरेलल में डिफरेंशिएट होते हैं। सीरीज और पैरेलल में डिफरेंशिएट होने के साथ साथ हम इसमें कौन सा मटेरियल यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं पे ये आर्टिफिशियल है। सो मटेरियल यूज करते हैं तो वो कहलाएगा अर्थ फील रेसवेज, और अगर सीमेंटेड मटेरियल यूज करते हैं तो दे विल बी कॉल्ड एज सीमेंटेड रेसवे। सो इस तरीके से रेसवे टॉपिक जो है या रेसवे कल्चर जो है ये कंप्लीट होता है। टिल देन लाइक और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को जरूर, अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिए एंड अपने प्यारे प्यारे व्यूज देते चलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।